सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी IITs होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको SAT कहते हैं। और जब SAT पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पैनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला, देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पैनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम है। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वो ही एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ, अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए ही हो गए। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा वो कौन है वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं।